हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड। ये आटा लिया है मैंने और इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी, साल्ट यूज़ किया है मैंने और शुगर ऐड किया है मैंने और हर्ब्स ऐड करूँगी। इसको हर्ब्स ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको। उसके बाद दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद दही ऐड करने के बाद मैंने ऑयल ऐड किया, रिफाइंड ऑयल, ताकि सॉफ्ट रहे। रिफाइंड ऑयल के बाद रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क होता है उसको ऐड करना, अच्छे से इसको नीट करना। उसके बाद जो ये गार्लिक मैंने गार्लिक बना के रखा है इसको मेल्टेड बटर में ऐड करूँगी। मेल्ट ज़्यादा नहीं बटर करनी है, थोड़ी सी करनी है, उसमें ऐड करूँगी। और उसमें हर्ब्स ऐड किए हैं, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे हर्ब्स और बटर और गार्लिक को। और जो मैंने यहाँ पे आटा गूंध के रखा है इसको अच्छे से और गूंदूँगी, सॉफ्ट करूँगी और एक रोटी बनाऊँगी, चाहे गोल किसी भी शेप में, जो भी आपकी शेप बनेंगे, कैसी भी शेप बनती है, हर टाइप गोल नहीं होती है। तो इसको एक गार्लिक ब्रेड का ये ब्रश करूँगी और मोज़रेला चीज़ ऐड की है, हर्ब्स ऐड किए और इस शेप में मैंने बनाया है। ये गार्लिक ब्रेड जो है ये तवे पे बनाऊँगी विदाउट ओवन और ऐसे कट्स लगाने हैं नाइफ से। तो आप देख सकते हो, और गार्लिक बटर का पेस्ट लगाया है ऊपर ताकि वो फ्लेवर आ जाए। आप देख सकते हैं ये गार्लिक ब्रेड तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप देख सकते हो ये चीज़ कैसे निकल रही है, इसको देख सकते हो कितना यम्मी होगा ये। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।